वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर लिस्ट। मैं और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबको ऑनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। जहाँ पर आज जो मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक अपन देखने वाले हैं जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, बेसिक टॉपिक है ग्रेविटेशनल। से पहले अपन देख लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन पोटेंशियल एनर्जी एंड फिर सो ऑन, ऐसे अपन ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो मैंने एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन ये जो वीडियो है वो करप्ट हो गया था, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलो अपन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने 8, 9, 10 से पढ़ा हुआ है, 11, 12 में भी अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ था कि आपको पता है इफ देयर आर टू बॉडीज, अगर आपके पास दो बॉडीज है, सपोज दिस इज ऑफ M1 मास एंड दिस इज ऑफ M2 मास, तो कोई भी टू एंटिटीज है, कोई भी टू ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा उसको ही अपन ने नाम क्या दे दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन दोनों जो फोर्स है, सपोज ये एम जो है ये फर्स्ट नंबर की बॉडी है, ये सेकंड नंबर की बॉडी है, तो ये क्या हो रहा है, इधर ये फोर्स दे रहा है, राइट। तो ये इधर फोर्स दे रहा है, मीन्स फोर्स ऑन किसके ऊपर है, टू पर है, बाय वन। ठीक है, और ये इधर दे रहा है तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2, ऐसे आपके पास हो सकता है। मीन्स ये एक्शन रिएक्शन पेयर में आपको मिलेगा। मीन्स आपको कैसे मिलेगा, फोर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑफ 2/1। अगर ये बैलेंस सिचुएशन में है या फिर स्टेबल सिचुएशन में है तो आपको एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे मिलेंगे। मीन्स आपको यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्स ऑन 2/1 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो है वो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे, तभी वो दोनों चीजें जो है वो बैलेंस आउट रहेंगी। ठीक है, और सिंपली आपका जो फोर्स का डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल सा डेफिनेशन है। वो क्या है कि आपका जो फोर्स है वो आपको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट से, मीन्स M1 एंड M2 के प्रोडक्ट से, राइट। एंड एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² से। अब मैंने आपको 1/r² मतलब क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ That distance between them. Suppose M1 and M2 जो है यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, इस r distance से separate किए वाले। ठीक है, तो क्या inversely proportional to the 1/r² मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r² बोलने का काम नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बोल दिया, मींस यहाँ पर क्या हुआ कि दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हाट, सेंट्रल फोर्स। ये क्या है आपके पास, सेंट्रल फोर्स। मैकेनिक्स में अपन ने सेंट्रल फोर्स देख लिया था, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाना, सेंट्रल फोर्स जाना, आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स में अपन ने ये देखा था कि सेंट्रल फोर्स आर द फोर्सेस विच आर क्या रहता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हाट, सेंट्रल फोर्स। मैंने सेंट्रल फोर्स पढ़ाते पढ़ाते भी आपको बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों भी चीजें होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ओनली क्या करने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, रिपेयर नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है वो आपको क्या हो जाएगा, इसको अगर मैंने समराइज करने को देखा तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 M1 M2 अपॉन यूअर r² ठीक है। और ये जो अगर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट साइन लगाना पड़ेगा ना उसको निकालने के लिए, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट साइन अगर मैंने लगाया तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, और यहाँ पर होगा आपके पास M1 M2 अपॉन यूअर r² जो कि होगा आपके r-cap डायरेक्शन में। अब ये जो r-cap डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहने वाली है, अट्रैक्टिव रहने वाली है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो r की कैप की डायरेक्शन है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल परफॉर्म कर रहा है उसके किधर रहने वाली है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी बता रही हूँ, तो सपोज दिस इज माय अर्थ और अर्थ की ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का सेंटर ये है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर मेरा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है,
इधर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उधर क्या लगने वाला है, डायरेक्शन में लगने वाला है। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे उसका डायरेक्शन होगा, हमेशा आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उधर ही उसका क्या होने वाला है, डायरेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फोर्स क्या मिल गया, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर कैप क्या है, आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मुझे इसको एक स्केलर फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन यूर आर का क्यूब इंटू आर का कैप। क्यों? क्योंकि आर कैप जो है वो क्या होता है, आर बार अपॉन मॉड ऑफ यूर आर। ठीक है, तो इस वजह से अपन इसको स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो फोर्स है वो क्या है, एक फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, फोर्स जो है वो अपन किस में काउंट करते हैं, न्यूटन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसको अपन आगे नहीं लेके जाएंगे। अब जो है अपन देखने वाले है कि ये जो अपना फोर्स तो हो गया, लेकिन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है आपका जी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू यूर आर स्क्वायर अपॉन यूर एम वन एम टू, राइट। तो ये हो जाएगा, तो फिर इससे ही इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, आर स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, के जी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, जी का ये क्या हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका यूनिट हो गया। ठीक है, और जो जी है, जी इज एक कॉन्स्टेंट है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो जी की जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो है आपके पास 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। ठीक है, इतनी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतनी इसकी वैल्यू होती है। अगर मैंने इसी को डाइन में देखने को चाहा तो डाइन में क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डाइन सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस सिस्टम है, और एमकेएस जो अपनी एसआई सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। ठीक है, तो ये बेसिक सी वैल्यू हो गई जी की। लेकिन और एक बात आपको बतानी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी जी की वैल्यू, और ये जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, क्या डिपेंड नहीं करेगी, नहीं करेगी किस किस पर, नॉट डिपेंड मतलब नहीं डिपेंड करती, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना भी हो वो डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज टू बी ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पे से मैंने क्या किया, यहां से एक मैंने एक बॉटल छोड़ी, ठीक है, अब ये जो खाली एक बॉटल छोड़ी, ठीक है, और एक बॉटल छोड़ी जिसमें क्या है, कुछ तो भी भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपन पानी ले लेते, ठीक है, अब मैंने ये जो खाली बॉटल छोड़ी उसका कुछ तो मास होगा m1, और ये जो मेरे भरे वाली बॉटल है उसका कुछ तो भी मास होगा m2। अब ऑब्वियस सी बात है, खाली बॉटल का मास जो है वो क्या होगा, कम होगा m2 से। लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में छोड़ा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों भी चीज क्या होंगी, एट अ सेम टाइम इस सरफेस को हिट होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी के भी मास पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर मैंने क्रॉस लगाया, नहीं तो आप बोलोगे डिपेंड करता है, नहीं, यहां पर मास पर क्या है, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब ये सपोज मैंने एक बॉटल ले ली प्लास्टिक की और एक बॉटल ले ली मैंने ग्लास की, मतलब कांच की, ठीक है, तो अगर मैंने कांच वाली बॉटल भी डाली या फिर प्लास्टिक वाली बॉटल भी डाली तो दोनों भी क्या होगा, सेम टाइम पर नीचे पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, वो ऑल्सो डिपेंड नहीं करेंगे नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट किस नेचर का है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ ही क्या है, नेचर एंड साइज, साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर सपोज मैंने एक जो बॉटल है वो छोटी ले ली, सपोज मैंने छोटी सी आधा लीटर वाली बॉटल ले ली और एक बॉटल ले ली अपनी बड़ी सी बॉटल जो 20 लीटर के वॉटर की आती है ना, वो ले ली सपोज, तो दोनों को भी छोड़ा तो वो दोनों भी नीचे एट द सेम टाइम गिरेगी। हाँ, लेकिन खाली बॉटल होने से ऐसा हो सकता है कि अगर ज्यादा हवा आई तो वो थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन इन अ आइडियल केस ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात बतानी थी कि जी जो है वो क्या है, नॉट डिपेंड ऑन मास, मास पर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड भी नहीं करेगा और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। अब अपन देखेंगे कि ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी लेकिन अब उसको रीशूट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा नेचर में, कभी भी रिपल्सिव नहीं रहेगा। तो फर्स्ट क्या है, ऑलवेज आपका अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा। आपको पता है कि ये जो
ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा हमेशा क्या रहने वाला है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी मीडियम रहो वो उतना ही रहेगा, तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर क्या दिए वाला है, थर्ड पॉइंट इज कि होल्ड गुड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। अब ये क्या है कि ये वाइड रेंज फोर्स है, ये क्या है, वाइड रेंज फोर्स है। अब आपको पता है कि आपका जो सन है और अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है, या फिर अर्थ है और मून है, मून क्या है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो ये सब पॉसिबल किस वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड्स की वजह से है। अब आपको पता है कि सन एंड अर्थ का डिस्टेंस कितना ज्यादा है और अर्थ और मून के बीच का भी डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो भी यहाँ पर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से ही ये सारा मोशन हो रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या बताती है, ये सब चीजें अपने को बताती है कि दिस इज अ वाइड रेंज फोर्स, ये क्या है आपके पास, वाइड रेंज फोर्स है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है कि फोर्थ पॉइंट इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। और मैंने आपको सेंट्रल फोर्स क्या होता है सब कुछ मैंने सेंट्रल फोर्स में बताया था, और तब भी मैंने ये बताया था कि सेंट्रल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑलवेज डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, वो डिस्टेंस के स्क्वायर, मतलब स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स की बात होगी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दिस इज अ वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। क्यों वीकेस्ट है, क्योंकि देखो अगर सपोज ये स्ट्रांग फोर्स रहता था ना तो ये बाउंड हो जाते थे, मतलब दो ऑब्जेक्ट ऐसे डिफरेंट रख ही नहीं पाते थे अपन। अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता था तो क्या होता था, अर्थ सन कोलैप्स हो जाते थे, या फिर अर्थ और मून कोलैप्स हो जाते, तो ऐसी चीजें हो सकती थी। लेकिन ये वीक होने की वजह से इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। हाँ ये वाइड रेंज है बट वीक है, ये यहाँ पर यूनिकनेस ही इसका क्या है कि दिस इज अ वाइड रेंज बट वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। ये क्या है, वाइड रेंज बट वीकेस्ट फोर्स। अब दूसरी बात क्या है, कंजर्वेशन इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब कंजर्वेटिव है नेचर में मींस, अब मैंने आपको कंजर्वेशन लॉ बताया था और वहां पर मैंने ये बताया था कि कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव है, मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है कि वर्क डन जो है उस फोर्स का, वर्क डन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज ऑलवेज जीरो। मतलब ऐसा कि अगर कोई पाथ फॉलो कर रहा है तो उसका वर्क डन क्या आना चाहिए, हमेशा जीरो आना चाहिए। या फिर अगर कोई फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है तो अपन ऐसे बोलते हैं कि राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप में उस राउंड ट्रिप लेगा वो, और राउंड ट्रिप में क्या होगा, उसका जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूर कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह क्या होता है ये सब अपन ने बेसिक में सीख लिया था मैकेनिक्स के, ठीक है। मैकेनिक्स के अपने बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, उसमें अपन ने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स कि राउंड ट्रिप में उसका जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। या ये हो गया अपना सिक्स वाला पॉइंट। और सेवन जो पॉइंट है वो क्या है, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही रहेगा, क्या रहेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ओनली अर्थ खींचती, मतलब अगर सपोज टू बी ये अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, कोई तो भी मास का बॉल है मेरे पास, एम मास का बॉल है, ठीक है, और ये अपनी अर्थ है, अर्थ, ठीक है। तो ये जो अगर एम मास का बॉल है तो आपको पता है ड्यू टू ग्रेविटी ये मास जो है वो नीचे आके गिरता है और ये यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि ओनली अर्थ इस बॉल को अट्रैक्ट करती है, अर्थ को भी ये बॉल जो है वो अट्रैक्ट करता है, बट कंपैरिजन देखो ना, ये बॉल कितना छोटा, ये अर्थ कितनी बड़ी, अर्थ का मास कितना ज्यादा, ये बॉल का मास कितना ज्यादा। तो क्या होता है, जो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास साइकिल है तो आप किससे अट्रैक्ट होने वाले हो, जिसके पास कार है, बाइक है उनसे। ऐसा तो नहीं है जो बाइक वाला है जो साइकिल वालों से अट्रैक्ट होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो वही चीज जो है वो यहाँ पर है, इसीलिए अपने को लगता है कि हमेशा अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। मीन्स ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होती है, ठीक है। तो ये जो सारी सात चीजें होगी, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो ये जो है प्रॉपर्टीज है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज। अब अपन नेक्स्ट जो जाएंगे वो है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यहां से डेफिनेशन समझ लो, ठीक है, फिर अपन प्लेन पेज लेके उसको अच्छे से समझेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड मींस क्या, फील्ड, फील्ड मींस एक स्पेस, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है तो सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, अगर ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के फील्ड, मतलब इसके आजू बाजू का जो स्पेस है, इसके आजू बाजू का ये स्पेस, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है जहां पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट कर सकता है, तो उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो कैसे, सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक आपको क्या लेना है, चादर लेना है, ठीक है,
चादर कपड़ा कुछ भी ले लो ठीक है, फिर आप आ जाओ आपके कजिन्स को ले लो और आपके सिबलिंग्स को ले लो ठीक है। आपके सिबलिंग कजिन मिलके क्या करो, इस चादर के एक एक कोने को ऐसे ऐसे पकड़ लो ठीक है, ऐसे पकड़ के क्या कर लो, इस चादर को स्ट्रेट कर दो ऐसे खींच के एकदम तान के ठीक है। फिर ये तान के पकड़ने के बाद में फिर क्या करो कि एक बॉल जो है वो उसके बीचों बीच डाल दो ठीक है। फिर अगर सपोज मैंने इस बॉल को इसके बीचों बीच डाल दिया तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने बीचों बीच डाला तो यहाँ पर ऐसे क्या होगा, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा टेंशन प्रोड्यूस होगा, वैसे ऐसे खिंचाव प्रोड्यूस होगा ना उस चादर में। तो ये जो इस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग है वो ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा है ठीक है। अगर मैंने सपोज दूसरा बॉल लिया ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक दूसरा बॉल लिया और अगर मैंने इस बॉल को यहाँ पर रखा तो इस बॉल को क्या हो रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, वो यहीं पे है। लेकिन वही अगर सपोज मैंने थोड़ा सा भी हिलाया और ये बॉल को यहाँ पर गया तो क्या होगा, ये बॉल जो है वो अट्रैक्शन की वजह से इस बॉल की तरफ खींचे जाएगा ठीक है। मीन्स क्या कि इस बॉल के लिए, इस रेड बॉल के लिए ये क्या हो गया था, उसका सराउंडिंग जहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कर रहा था क्या, नहीं, लेकिन जैसे उसके फील्ड में आ गया उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया राइट। तो ये जो है वो आपको क्या बताता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड सेज दैट द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी इन विच अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, स्पेस है, स्पेस में है, आपको ऐसे आंखों से दिखेंगी नहीं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है करके, ये स्पेस में सब जगह लगती है ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगी, अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो समझ गया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का अट्रैक्टिवनेस जिस स्पेस तक जा रहा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट इस स्पेस तक अट्रैक्ट कर पा रहा है तो ये हो गया उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन उसमें भी इस ऑब्जेक्ट के अगर नजदीक रहा तो ज्यादा अट्रैक्टिवनेस रहेंगी, दूर रहा तो कम रहेंगी, बीच रहा तो मिडल अट्रैक्टिवनेस रहेंगी राइट। मतलब क्या कि खिंचाव कितना है, किस पॉइंट पे कितना खिंचाव है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या निकालते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आप ऐसे समझ लो कि सपोज इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है ठीक है। अब इस ये ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग सपोज टू बी इतनी है जहां तक उसकी रेंज आ रही है ठीक है, ऐसे तो वाइड रेंज है बट अपन सपोज समझते हैं कि सपोज दिस इज अ फील्ड ठीक है। अब इस फील्ड में मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट ले लिया ए, ये एक पॉइंट ले लिया बी ठीक है, और ये एक पॉइंट ले लिया सी ठीक है। तो मैंने ये देखा कि पॉइंट ए का ऑब्जेक्ट, पॉइंट बी का ऑब्जेक्ट और पॉइंट सी के ऑब्जेक्ट पर, तीनों भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, मतलब उसका कितना प्रभाव है, वो कम ज्यादा पड़ रहा है। मतलब बी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ए पर कम पड़ रहा है, सी पर और कम पड़ रहा है, मतलब जितना ज्यादा नजदीक है उतना ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ रहा है ठीक है। तो फिर ये कैसे निकालेंगे, तो ऐसे अपन निकालते हैं कि ऐसे समझते हैं कि उस पॉइंट पर सपोज टू बी अपन ने रख दिया एक टेस्ट मास छोटा सा एम ठीक है, जिसकी क्या है 1 kg, क्या है वेट है 1 kg या फिर 1 ग्राम, जैसे जिस यूनिट में लोगे उस यूनिट के हिसाब से ठीक है। जिस अपन ऐसे कंसीडर करते हैं कि वहां पर एक टेस्ट मास है और उस टेस्ट मास को उस बड़े मास से फिर अपन क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ये अट्रैक्टिव होने की वजह से वो अपने तरफ खींचेगी ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगा, आई, जिसको अपन बार लगाएंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास फोर्स पर यूनिट मास। ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट योर फोर्स पर यूनिट मास, और वो हमेशा क्या होंगी, सोर्स के पॉइंट के अंदर ही रहेंगी। मतलब जो सोर्स है, सोर्स के सेंटर, जिस सोर्स से अपना ग्रेविटेशनल चल रहा है उसी सोर्स के सेंटर के तरफ रहेंगी ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये फोर्स जो है वो अपन न्यूटन में काउंट करते हैं, और ये जो मास है वो केजी में। तो ये हो गया आपका आई की वैल्यू जो हो गई, वो हो गई न्यूटन पर केजी, और वही डाइन में देखा तो डाइन पर ग्राम ठीक है। और इसी का अगर आपने डायमेंशन देखा तो आपको पता है कि आई जो है वो क्या होगा, फोर्स, फोर्स का क्या होता है L1 m1 t^2, और आपका केजी जो है वो मास है, तो ये हो जाएगा m1। तो I का जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या होगा, L1 m0 t^-2। तो ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी का क्या, डायमेंशन ठीक है। तो यही जो है वो डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो क्या, द इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मटेरियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड। हाँ, और एक बात, ये जो टेस्ट मास है उसको अपन यूनिट कंसिडर करेंगे, मतलब एक यूनिट का ही कंसिडर करते हैं। जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वैसे ही आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट में भी एक इंटेंसिटी होती है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको भी अपन क्या करते हैं, एज अ टेस्ट चार्ज बताते। तो आपको ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारे
सारे सिमिलर सिमिलर चीजें ही आपको मिलने वाली है और सिमिलर सिमिलर इक्वेशन भी मिलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड जो है वो आपका क्या है कि फोर्स इज नथिंग बट जी एम वन एम टू अपॉन यूर आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर एम वन एम टू क्यों मास लिए वाला है और जी क्या है कॉन्स्टेंट है। वैसे ही जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है फोर्स, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट होता है के और यहाँ पर क्या होता है क्यू वन क्यू टू अपॉन यूर आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ऐसे ही उसी फॉर्म में रिसेम्बल करता है, ठीक है। तो वहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज और यहाँ पर क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां पर इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज और यहाँ पर फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। ऐसे ही रिसेम्बल आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मटेरियल बॉडी एट एनी पॉइंट इन इट्स फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट यूनिट चार्ज, मतलब उस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है डज नॉट प्रोड्यूस, लेकिन अगर उस यूनिट चार्ज को उस फील्ड में लाया तो उसके वजह से उस फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। छोटा सा ये चैप्टर था, बहुत इजी था, ठीक है, और कुछ इसमें था नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखो अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बेसिक से लेक्चर है ये दो, उसके बाद में थोड़ा अच्छे से जाएंगे गॉस लॉ पे जाएंगे और भी अच्छी कुछ चीजें देखने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।